मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर ले उर्दू न्यूज डेयरी को और हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन दबा दे। न्यूजीलैंड की मसाजिद में नमाज जुमा के वक्त हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अब तक 40 से ज्यादा अफराद के शहीद होने की इत्तला मौसूल हुई है। डेली मेल के मुताबिक हमलावर अपनी गाड़ी में सवार होकर आया और उसने अपनी गाड़ी में गाने चला रखे थे और उसके पास दो जदीद शॉर्ट गन्स थी। हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ट्रेंट नामी खबीस हमलावर ने कत्ल गारत की सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की, जिसे सोशल मीडिया की जानिब से बंद कर दिया गया है। हमलावर और उसके जेर इस्तेमाल असलहे की तस्वीर भी सामने आ गई है, जिस पर उसने माजी में हमला करने वाले अफराद के नाम लिख रखे थे, जबकि जिन मकामात पर हमले किए गए उनके नाम भी दर्ज किए थे। हमलावर ने अपनी गाड़ी में 6 बंदूकें रखी हुई थी। वो जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, उसने फायरिंग शुरू कर दी। उसकी गोली लगने से एक शख्स जख्मी हुआ, जिसने रेंग कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस दरिंदे सिफत इंसान ने उसके करीब जाकर उस पर दोबारा गोलियां बरसाई और उसे शहीद कर दिया। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज डेयरी।